अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आइस एंड स्पाइस विद यूसरा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज मैंगो आइसक्रीम। सीज़न है तो जल्दी जल्दी बना के स्टोर कर लीजिए। ये मैंने मैंगोज़ ले लिए हैं, इस साइज़ के 5 मैंगोज़ हैं, ठीक है। और ये मैंने क्यूब्स करके काट लिए थे और उसके बाद इनको ग्राइंडर में जूसर में जो है वो ग्राइंड कर लिया था और इसकी इस तरह से प्यूरे बना ली थी, ठीक है। अच्छा, ये व्हिप्ड क्रीम है मेरे पास, ये मेरे पास वीपी व्हिप वालों की व्हिप्ड क्रीम है और 1 kg ये व्हिप्ड क्रीम है, ठीक है। अच्छा, ये कंडेंस मिल्क है, कंडेंस मिल्क मेरे पास एक जो टिन होता है, बड़ा वाला जो साइज़ होता है टिन का, वो वाला कंडेंस मिल्क है, ठीक है। अगर आपने रेसिपी मेरी कंडेंस मिल्क की नहीं देखी तो मैं ऊपर लगा रही हूँ कार्ड में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक लगा दूंगी, ठीक है। आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं कि कंडेंस मिल्क आप घर में किस तरह बनाएंगे। अच्छा, कंडेंस मिल्क डालने के बाद मैं थोड़ी थोड़ी करके इसमें जो हमने मैंगो की प्यूरे बनाई थी वो ऐड करती जा रही हूँ और इसको अच्छे से बीट करती जा रही हूँ, ठीक है। बस ये 3 इन्ग्रीडियंट्स डलेंगे इसमें आइसक्रीम में और इतनी मज़ेदार ये फ्लफ़ी सी इसका टेक्सचर आएगा। देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करती जा रही हूँ प्यूरे और इसको बीट करती जा रही हूँ, ठीक है। और इसमें बिल्कुल आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, आपको 2 से 3 दफ़ा इसको बिल्कुल बीट नहीं करना है, बस आपने एक ही दफ़ा इसको बीट करना है। अच्छा, सब मैंने प्यूरे ऐड कर दिया था, मिक्स कर लिया था, इसके बाद मुझे थोड़ा सा कलर कम लग रहा था तो हमारे पास जो जर्दे का रंग होता है घर में, उसी जर्दे के रंग में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके, थोड़े से ड्रॉप्स पानी के ऐड करके उसे इसमें ऐड कर दिया और उसको चम्मच की मदद से ही मिक्स कर लिया था, ठीक है। इसके बाद ये सारे एयर टाइट बॉक्सेस में मैंने इसको सब में डाल दिया था, ठीक है। इसके बाद इनकी लिड्स लगा दिए थे, इनको कवर कर लिया था, ठीक है। एयर टाइट बॉक्स में आप रखेंगे तो आप मंथ्स तक इनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं और जब मैंगो का सीज़न नहीं होगा तब भी इंजॉय कर सकते हैं, मैंगो मस्तानी में, मैंगो फालूदा में, मैंगो आइसक्रीम, ब्राउनी विद आइसक्रीम, तो आप बहुत सारी चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं। बस एक ही दफ़ा बीट करके आपने उसको 5 घंटे के लिए फ्रीज़ करना है, जैसे दिल चाहे इसे सर्व करना है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।